पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जोहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूँगी वो है कि जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं और वो उनकी तसल्ली नहीं है कि वो इनफ दूध आता है और बच्चे की सेटिस्फेक्शन हो पाती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिससे आप मदर के ब्रेस्ट मिल्क में इजाफा होगा और इससे आपको फ़ायदा होगा। पहली बात यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बच्चे को वो तमाम गज़ाइत मिलती है जो कि उसको उस एज में रिक्वायर्ड होती है। और इसके अलावा बच्चे में अलर्जीज़, एस्थमा और कैंसर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। माओं को इसका ये फ़ायदा होता है कि माओं के अंदर छाती का कैंसर कम हो जाता है और उनको अपना वज़न मेंटेन करने में भी आसानी होती है। अब ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन को इनक्रीज़ करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें पहली बात यह है कि माएँ जो हैं वो अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखें। खुराक उन्होंने क्या खानी है, ज़्यादातर वो अपनी खुराक जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर और प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड करें। प्रोटीन में ये है कि फ़िश, पोल्ट्री, बीफ, मटन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इससे ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में इजाफा होता है। इसके अलावा जो इनकी डाइट को अच्छा कर सकता है वो नट्स हैं। नट्स वगैरह लें, आजकल तो सर्दियां हैं और नट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं इसमें ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में। दूसरी बात ये है कि पानी पिएं। जितना आप पानी पिएंगे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगी। लिक्विड इंटेक में आपका दूध पीना भी आ जाता है, पानी पीना और जूस पीना भी आ जाता है। अगर एक आम इंसान को हम रिकमेंड करते हैं कि वो 8 ग्लास पानी पिए तो जो माएँ ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको चाहिए कि वो 4 से 6 ग्लास मज़ीद पिएं इन 8 ग्लासों के अलावा। जो एक बहुत आसान टिप मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि आप हर खाने के साथ 1 ग्लास पानी लें और हर फीड के साथ 1 ग्लास पानी या 1/2 ग्लास पानी ज़रूर लें। इसके अलावा सुबह शाम दूध ले लें, ठीक है, और दिन के किसी एक पहर में 1 ग्लास जूस ले लें। इससे मिल्क प्रोडक्शन में बहुत इजाफा होगा। जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उनकी तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ख़ुद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाती। आपका रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। आपने फील किया होगा कि दूध पिलाने के बाद या दूध पिलाने वाली माएँ अक्सर टायर्ड फील करती हैं। टायर्ड फील करने का मतलब एक सिग्नल है जो आपकी बॉडी आपको दे रही है कि आपको आराम करना चाहिए। उस आराम का कुदरत की तरफ से एक ख़ास मेकनिज़म रखा गया है। आप आराम अगर मुनासिब आराम करेंगी, मुनासिब नींद लेंगी, जैसे आपका बच्चा जब सो रहा होता है तो आप भी सो जाएं। ऑल्दो मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उसमें, घर के काम काज होते हैं जिसमें आप लोग इंगेज होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आराम का ख्याल रखेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में इजाफा होगा। इसके बाद ये है कि आपने स्ट्रेस कम लेना है। जो माएँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं उनकी मिल्क प्रोडक्शन भी कम होती है। स्ट्रेस कम लेने के लिए मेरी आपके लिए एडवाइस है कि आप छोटी मोटी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, अपने किसी पीयर ग्रुप के साथ बात कर लें, अपने दोस्त से बात करें, अपने घर में से किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। शेयर करने से आपका स्ट्रेस कम होगा और कुछ क्वालिटी टाइम अपने लिए ज़रूर गुजारें। जैसे आप पार्लर जा सकती हैं, सेल्फ़ केयर कर सकती हैं। इन सब छोटी छोटी बातों का असर ज़रूर होगा आपकी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। अब है कि क्या कोई अद्वियात ली जा सकती हैं ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए? तो इसमें हर्बल मेडिसन्स अवेलेबल हैं जो कि आप ले सकते हैं और उससे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है। वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद आपको वो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कोई दवाई दे सकते हैं।
इस सेशन के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हेल्प मिली होगी और आपको अपने बच्चों को नर्स करने में आसानी होगी। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।